ये सारे इंसान के ही रूप है, लेकिन आज से हजारों लाखों में भी करोड़ों साल बाद, और ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा। इस ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसा शायद एक बार और हो चुका है, जिसके हमारे पास कई सबूत भी मौजूद है। 15 अगस्त 1977 में जेरी हैमन ने एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया, जिसका ओरिजिन पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर था, और ये किसी नेचुरल सोर्स से प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नैरो बैंड पे थी, जो बस किसी टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस करना संभव है। और ये पहली ऐसी घटना थी जिससे हमें पृथ्वी के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ होने का सबूत मिला। पर कई साइंटिस्टों का ये भी कहना था कि शायद ये सिग्नल किसी नेचुरल सोर्स से ही हो, पर हम शायद उस नेचुरल सोर्स से अभी तक वाकिफ ना हो। लेकिन इस घटना से साइंटिस्ट के बीच एक और बड़ा डिबेट छिड़ जाता है कि अगर ये एलियन स्पीसीज इतने दूर से पृथ्वी तक रेडियो सिग्नल भेजने में सक्षम है, तो ये हमसे कितनी ज्यादा एडवांस होगी। और इस विशाल ब्रह्मांड में, जिसकी उम्र 13 बिलियन ईयर्स से ज्यादा, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और 20,000 बिलियन स्टार्स है, उनमें कितनी और ऐसी एलियन स्पीसीज होगी जो हमसे इतनी ज्यादा एडवांस है। हम इंसानों ने बस 90,000 वर्षों में गुफाओं में रहने वाले आदि मानव से गांव में रहके खेती बाड़ी करने वाले आधुनिक मनुष्य तक का सफर तय किया है। उसके बाद अगले 10,000 वर्षों में इंडस्ट्रियलिस्ट होने में, और उसके अगले 200 सालों में न्यूक्लियर पावर, और बस 50 वर्षों में कंप्यूटर तक पहुंचने में, यहां तक कि हम बहुत जल्द मंगल ग्रह पे इंसानी सभ्यता बसाने की बात भी कर रहे हैं। अब सोचिए, कोई सिविलाइजेशन जो हमसे अगर चंद लाख वर्ष भी पहले शुरू हो जाती तो वो कितनी एडवांस होती। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और इन्हीं पॉसिबल एडवांस एलियन स्पीसीज को और बेहतरी से समझने के लिए साइंटिस्ट ने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिस क्लासिफिकेशन को कार्डेशेव स्केल के नाम से भी जाना जाता है। हर एक सिविलाइजेशन की टोटल एनर्जी यूज पे उनको इस स्केल पे रैंक किया गया है। शॉकिंग पार्ट तो ये है कि हमें शायद टाइप 1 एंड टाइप 2 सिविलाइजेशन के पॉसिबल सबूत तक मिल चुके हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन में अपने होम प्लेनेट पे मौजूद हर एनर्जी रिसोर्सेज को 100% तक यूज करने की क्षमता होती है। अनफॉर्चुनेटली हम मनुष्य की सिविलाइजेशन टाइप 1 में भी नहीं आती, क्योंकि टाइप 1 बनने के लिए हमें पृथ्वी पे मौजूद हर एक एनर्जी, जैसे पानी, हवा और सोलर एनर्जी के हर कतरे में बसे एनर्जी को यूज करना होगा। यहाँ तक कि भूकंप और वॉल्केनिक इरप्शंस में प्रोड्यूस हुई एनर्जी को भी हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते। टाइप 1 सिविलाइजेशन का अपने होम प्लेनेट के वेदर और इकोसिस्टम पे पूरा कंट्रोल होता है। वो अपने इच्छा अनुसार टेम्परेचर से लेके बारिश, स्नोफॉल, कुछ भी करवा सकता है। उसे तूफान, सुनामी या भूकंप जैसे आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इनको कंट्रोल करने योग्य बन जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हम इंसान अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो अगले 200 सालों में हम टाइप 1 तक पहुंच जाएंगे। और जो रेडियो सिग्नल हमने 70 के दशक में डिटेक्ट किया था, कहा जाता है कि इस सिग्नल को भेजने वाली एलियन स्पीसीज भी टाइप 1 ही थी। टाइप 2 सिविलाइजेशन बस अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वो अपने होस्ट स्टार, जो हमारे केस में सूरज है, उसकी भी 100% एनर्जी को यूज करने में सक्षम होती है। और इस असंभव कार्य को पूरा करने के लिए डाइसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा सकता है। डाइसन स्फीयर एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर है जो सूरज को चारों ओर से कवर करके उसके रोशनी के हर एक कतरे से ऊर्जा खींचने में सक्षम होता है। और डाइसन स्फीयर अपने में ही एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी का सबूत है। हमारे जैसे टाइप 0 सिविलाइजेशन के लिए डाइसन स्फीयर की रचना अभी तक असंभव या काल्पनिक ही है, और होगी भी क्यों ना। अगर हम सूरज को डाइसन स्फीयर से कवर करने का सोचे तो उसमें जुपिटर जैसे प्लैनेट के मास के इक्वल रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। कंस्ट्रक्शन में लगने वाली टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की बात तो भूल ही जाओ। और डाइसन स्फीयर के निर्माण से उस स्टार की ब्राइटनेस में काफी फर्क पड़ जाता है, जो आसपास के कई स्टार सिस्टम्स तक नोटिसेबल होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है, शायद हमें ऐसी स्टार ऑलरेडी मिल भी चुकी है। में केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हमसे 1500 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे ही रहस्यमय स्टार को ढूंढा गया, जिसकी ब्राइटनेस कभी कभी 20% तक डिम हो जाती। पहले तो ये सोचा गया शायद कोई बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जो इसके सामने रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा होगा, तभी इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा डिम हो रही है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी गलत प्रूफ हो गया,
क्योंकि अगर कोई प्लेनेट की वजह से ये हो रहा होता तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे होता। यहाँ तो ब्राइटनेस रैंडमली चेंज हो रही थी, जिसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता था कि इस स्टार को किसी एडवांस एलियन स्पीसीज ने डाइसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर से कवर कर रखा है, जिसकी वजह से इसका ब्राइटनेस रैंडमली चेंज होता रहता है। सारे सबूतों के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स का एक बड़ा तबका इस एक्सप्लेनेशन को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, पर उनके पास कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सिविलाइजेशन बस अपने स्टार सिस्टम तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि ये अपने पूरे होस्ट गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होती है। जैसे हमारे होस्ट गैलेक्सी, जिसको हम मिल्की वे या आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, तो अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन यहाँ होती तो उसका कंट्रोल हमारे सोलर सिस्टम पे भी होना चाहिए था, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता। तो हम ये निश्चितता से कह सकते हैं कि कम से कम हमारे गैलेक्सी में टाइप 3 सिविलाइजेशन अभी तक मौजूद नहीं है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 100,000 लाइट ईयर्स में फैली है, मतलब लाइट को गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में 100,000 वर्ष लग जाते हैं। और अगर कोई सिविलाइजेशन इस विशाल गैलेक्सी को कंट्रोल करना चाहे तो पहले उन्हें लाइट स्पीड से भी कई गुना तेज ट्रैवल करना सीखना होगा, जो हमारे मॉडर्न साइंस के अनुसार इम्पॉसिबल है। लेकिन वॉर्म होल या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हमने आज तक कल्पना भी नहीं की, शायद उनकी मदद से ये एक दिन पॉसिबल हो पाए। फिर इस सिविलाइजेशन के लिए पलक झपकते ही गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कल्पना के भी बाहर है। इन्हें अपनी एनर्जी की भूख पूरी करने के लिए गैलेक्सी के हर एक स्टार को डाइसन स्फीयर से कवर करना होगा, बल्कि केवल स्टार्स के एनर्जी से भी इनका काम नहीं चलने वाला। इनको गैलेक्सी में नए एनर्जी सोर्सेस की तलाश भी करनी होगी। शायद ये क्वांटम मैकेनिक्स या सुपरनोवा को यूज करके एनर्जी बना पाए, और तब तक ये साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की कर लेंगे कि इनके लिए उम्र केवल एक नंबर ही बनके रह जाएगा। ना ही ये कभी बूढ़े होंगे, ना बीमार, और ना ही कभी इनकी मृत्यु होगी। ये हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और इनकी शक्तियाँ बस यही नहीं सीमित रहने वाली, ये चाहे तो किसी बंजर प्लेनेट में नए इंटेलिजेंट स्पीसीज की रचना भी कर सकेंगे। लेकिन इस समय तक ये सिविलाइजेशन इतने विशाल गैलेक्सी में फैल जाएगी, ऐसा हो सकता है कि शायद ये प्रजाति एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग विकसित हो। इनमें इतना अंतर होगा कि इन्हें देख के ये बताना असंभव हो जाएगा कि ये कभी एक ही स्पीसीज से थे। पर ये सिविलाइजेशन भी जल्द समझ जाएगी कि इनके विशाल एनर्जी की भूख बस एक गैलेक्सी के रिसोर्सेज से पूरी नहीं हो सकती, तब ये अगले लेवल की ओर कदम बढ़ाएंगे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हम इंसानों को यहाँ तक पहुँचने में 10 लाख वर्षों का समय तो लग ही जाएगा। टाइप 4 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो बस एक गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पे राज करेगी, और इनके डेवलपमेंट में एनर्जी रास्ते का कांटा नहीं बनने वाली, क्योंकि इनके पास पूरे यूनिवर्स के रिसोर्सेज यूज करने के लिए होंगे। ये यूनिवर्स के हर पॉसिबल एनर्जी सोर्स को यूज करने में सक्षम होंगे। डार्क मैटर, एंटी मैटर या ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना इनके बाएं हाथ का खेल होगा। यहाँ तक कि ब्लैक होल का यूज करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और इस लेवल तक इनके पास नए प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स की विनाश या रचना करने तक की शक्तियाँ आ जाएगी, यहाँ तक कि उन प्लैनेट्स को जीवन से आबाद करने तक की भी। लेकिन इस सिविलाइजेशन को जल्द ये समझ आ जाएगा कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा उनका अपना फिजिकल शरीर है, जो उन्हें एक समय पे एक ही जगह पे बांध के रखता है। फिर इस हार मांस के शरीर को त्यागने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। वो अपने कॉन्शियसनेस या चेतना को डिजिटल फॉर्म में कहीं अपलोड कर देंगे और अपने इच्छा अनुसार पूरे यूनिवर्स में एक ही समय पे एकाधिक जगहों पे मौजूद होंगे। एक ऐसा जीव जिसका कोई शरीर ना हो, पूरा ब्रह्मांड ही उसके पहुंच में हो, वो चाहे तो किसी भी चीज का निर्माण या विनाश अपने इच्छा अनुसार कर सके, यहाँ तक कि नए जीवन की रचना तक करने में सक्षम। ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? हम भी बचपन से ऐसे ही जीवों की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, बस फर्क इतना है कि हम उन्हें भगवान के नाम से जानते हैं।